एड़ा प्रथा के तहत वन्य जीवों का शिकार करने वालों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कठोर कार्यवाही करने के लिए पीपल फॉर एनिमल्स ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि भीलवाड़ा, अजमेर व राजसमंद जिले सहित अन्य जिलों में कुछ जाति विशेष के लोगों द्वारा होली के बाद से शीतला सप्तमी पर्व तक एड़ा प्रथा के नाम पर चिंगारे, काले हिरण, रोजड़े व जंगली सुअर, खरगोश, तीतर, बटेर व राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित अन्य वन्य जीवों का शिकार किया जाता है एवं कुछ वन्य जीवों को सामूहिक रूप से घेर कर लाठियों से भी पीटा जाता है। वन्य जीवों का शिकार है उन्हें लाठियों से पीटना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गंभीर अपराध होकर दंडनीय है। पीपल फॉर एनिमल्स ने मांग की कि भीलवाड़ा, अजमेर में राजसमंद जिले में उक्त अवधि में गश्त बढ़ाकर एड़ा के तहत अवैध रूप से हो रहे वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं पर अंकुश लगवाएं तथा शिकार करने वालों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कठोर कार्रवाई की जाए ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो। धुलंडी से लेकर के शीतला सप्तमी तक एड़ा प्रथा के नाम पर भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, पाली सहित राजस्थान के अन्य जिलों में शिकार की घटनाओं को कुछ विशेष जाति विशेष के लोग शिकार करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं का खुला उल्लंघन है। मैंने आज इस आशय का पत्र मेल किया है ML मीणा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन राजस्थान सरकार को, कि आप इन जिलों के उप वन संरक्षकों को निर्देशित करके और इन 7-8 दिनों के लिए विशेष गश्त बढ़ाएँ और इन होने वाली वन्यजीव शिकार की घटनाओं को रोकें, और अगर उसके बाद भी कोई वन्यजीव की शिकार की घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाए, गिरफ्तार किया जाए और इन वन्यजीवों के शिकारियों को हर हाल में पकड़ा जाए और वन्यजीवों के शिकार की घटनाओं पर रोक लगाई जाए।